ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स, ठीक है। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में डिस्कस कर रहा था, जो ब्रायोफाइट्स हैं उसमें जो है मेजर प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है और जो माइनर प्लांट बॉडी है दैट इज स्पोरोफाइट, ठीक है। और जो गैमेटोफाइट है, अगर हम बात करें उनकी सेक्सुअलिटी की बात करें अगर, तो ब्रायोफाइट का जो गैमेटोफाइट है जो मेजर प्लांट बॉडी है दैट कैन बी मोनोसियस और दैट कैन बी डायोसियस। कुछ ब्रायोफाइट में जो है वो मोनोसियस होता है, कुछ में कैसा होता है डायोसिस। ये एग्जाम्पल कुछ एक अब मैं आपको यहाँ पे वर्बली बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं जैसे रिक्सिया, रिक्सिया जो ब्रायोफाइट है, ठीक है, उसमें जो प्लांट बॉडी है वो कैसी होगी, मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब क्या हो गया, दैट इज बाइसेक्सुअल, दोनों, ठीक है, उसमें दोनों सेक्स ऑर्गन, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो एक ही बॉडी पे प्रेजेंट है। रिक्सिया अपने एग्जाम्पल जो है नोट कर लेना, ये लिख लीजिएगा रिक्सिया। ब्रायोफाइट इसमें जो प्लांट गैमेटोफाइट है कैसा है, मोनोसियस, ठीक है। और उसके बाद जो है जैसे हम बात करते हैं मार्केंसिया है या मॉसिस है, इनका जो गैमेटोफाइट होता है वो कैसा होता है, डायोसियस। डायोसियस का मीन है मतलब है यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो अलग अलग प्लांट बॉडी होंगी, ठीक है। एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा, मार्केंसिया मॉसिस, ठीक है। रिक्सिया में क्या कहा हमने, कैसा गैमेटोफाइट है इसका, मोनोसिस। और मार्केंसिया मॉसिस में डायोसियस, ओके। लाइफ साइकिल की हम बात करते हैं अब, सेक्सुअल जो लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट्स का, जनरली हम बात करते हैं अभी लिवर बॉर्ड्स की और हॉर्न बॉर्ड्स की। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, और मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको मार्केंसिया ले रहा हूं, यहाँ पे मैं फीमेल और मेल गैमेटोफाइट अलग अलग बना रहे, ठीक है। इनमें जो गैमेट्स बनते हैं एक्चुअली वो सेक्स ऑर्गन्स के अंदर बनते हैं गैमेट्स। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम जो है वो एंथ्रीडियम है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम नोट कर लीजिएगा क्या है, आर्चिगोनियम, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी और नोट करना आपने, एंथ्रीडियम जो है इसके अंदर जो है बहुत सारे गैमेट्स जो मेल गैमेट्स बनते हैं जिनको क्या कहा जाता है, एंथ्रोजोइट्स, जबकि आर्चिगोनियम जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन उसके अंदर सिर्फ एक ही जो है फीमेल गैमेट बनता है जिसको कहा जाता है एग। ओके, तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है दैट इज एंथ्रीडियम, मैंने कहा इसके अंदर बहुत सारे क्या बनते हैं, मेल गैमेट, दैट इज एंथ्रोजाइट। और जब ये राइप होंगे और डिस्चार्ज होते हैं एंथ्रीडियम से, ठीक है, तो ये बाहर निकल आते हैं, और बाहर जो है अगर वाटर, यहाँ पे बात हो जाती है वाटर फिल्म की, अगर वाटर की फिल्म अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, तो जो एंथ्रोजाइट्स हैं वो उसमें स्विम करते हैं। एंथ्रोजाइट जो है ये वहां पे नोट कर लीजिएगा, एंथ्रोजाइट, ठीक है, एंथ्रोजाइट जो है इसकी शेप जो है और फ्लैजेला का नंबर, ये इंपॉर्टेंट नोट करना है आपने। शेप जो है जनरली देखो कैसा बैंड बनाया है, कॉमा शेप है, ठीक है, कॉमा शेप है, और कितने फ्लैजेला बना है, दो, तो कैसा हो गई ये, बाइफ्लैजेलेटेड। एंथ्रोजाइट्स और ब्रायोफाइट्स आर बाइफ्लैजेलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये आपको नीट में, बाइफ्लैजेलेटेड है, ओके। और ये जो एंथ्रोजाइट्स है मेल गैमेट्स, ठीक है, मैंने कहा दे स्विम इन वाटर फिल्म, ये वाटर में, ठीक है, स्विम करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फ्लैजेला और मूव करते हैं टुवर्ड्स फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम, ठीक है, अट्रैक्टेड बाय, ठीक है, सर्टेन सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक एसिड्स, फॉर एग्जांपल मैलिक एसिड और सर्टेन सुगर्स और पोटेशियम सॉल्ट्स एटसेट्रा, ठीक है, इनसे अट्रैक्ट होते हैं ये टुवर्ड्स आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम मैंने कहा आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ, हर आर्चिगोनियम सिर्फ एक ही सिंगल फीमेल गैमेट बनता है, दैट इज एग, ओके। और जब एंथ्रोजोइट जो आर्चिगोनियम में एंटर कर गया एक बार, तो वहां पे वो फ्यूज कर जाता है फीमेल गैमेट एग के साथ, ठीक है, और फ्यूजन को क्या हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन पहले अभी सारी प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड, ठीक है, सब प्लांट सब जो स्ट्रक्चर है ये कैसी है, यहां पे हैप्लॉइड, ठीक है, जो एग में यहां पे अपना शो करता हूं बाहर, ये एग, एग जो है ये क्या है, हैप्लॉइड। एंथ्रोजोइट जो है यहाँ पे मेल गैमेट, ये भी कैसे हैं, हैप्लॉइड। लेकिन जब एंथ्रोजोइट और जो एग है मेल फीमेल गैमेट जो फ्यूज करेंगे सिंगल एक सेल बनेगा, दैट इज कॉल्ड जायगोट,
तो जायगोट ऑटोमेटिकली कौन सा क्या हो जाएगी प्लाइड, इसकी डिप्लाइड, क्योंकि दो हफ्ते सेल्फ यूज कर गए हैं अपना जायगोट। जायगोट किसके अंदर बना? आर्चिगोनियम के अंदर। मतलब फर्टिलाइजेशन कैसी है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि आर्चिगोनियम प्लांट बॉडी के अंदर हो रही है, वाटर में नहीं हो रही है, बाहर नहीं हो रही है। तो फर्टिलाइजेशन कैसी है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कहां हो रही है? ये भी इंपॉर्टेंट है, कहां हो रही है आपको नोट कर लीजिएगा, फर्टिलाइजेशन ब्रायोफाइट में कहां हो रही है? विद इन आर्चिगोनियम। ठीक है, रिजल्ट क्या है किसका? फर्टिलाइजेशन का जायगोट। जायगोट जैसे आर्चिगोनियम के अंदर बना, जायगोट स्लोली स्लोली जो है किस में डेवलप करेगा? इनटू अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, दैट इज एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो भी कैसा है? अब डिप्लॉयड। और एम्ब्रियो जो है नेक्स्ट जो है नई प्लांट बॉडी में जो है वो डेवलप करता है, दैट इज स्पोरोफाइट। ठीक है, और ये स्पोरोफाइट है एक्चुअली किस पे बना? ये आर्चिगोनियम पे बना। आर्चिगोनियम किस पे अटैच्ड है? गैमेटोफाइट पे। मतलब ये जो है स्पोरोफाइट वो किसके ऊपर बन रहा है? प्लांट बॉडी, गैमेटोफाइट। ये गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट कैसी बॉडी है? हैप्लॉइड। ठीक है, स्पोरोफाइट कैसी बॉडी है? डिप्लॉइड। अब देखिए, हमने कहा था गैमेटोफाइट पे क्या बनते हैं? गैमेट्स, ये फीमेल गैमेट, मेल गैमेट। ठीक है, और गैमेटोफाइट पे ही आप ब्रायोफाइट की बात करें तो स्पोरोफाइट इसी की प्लांट बॉडी के ऊपर बना, स्पोरोफाइट। ओके, और स्पोरोफाइट पे हमने बात किया, स्पोरोफाइट पे क्या बनते हैं? स्पोर्स। ठीक है, तो आपने नोट करना कि कुछ सेल्स जो है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के, स्पोरोफाइट की वैसे बॉडी के तीन पार्ट्स यहाँ मेन होते हैं, दैट इज एक फूड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जिसकी वजह से स्पोरोफाइट जो है गैमेटोफाइट पे अटैच रहता है, और एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होती है, स्पोनो स्ट्रक्चर होती है, जिसको होते हैं कैप्सूल, जिसके अंदर क्या बनते हैं? मियोसिस स्पोर्स। ठीक है, बाकी की जो बीच की स्ट्रक्चर है जो कैप्सूल को स्पोर्स से जोड़ रखती है, इसको बोलते हैं सीटा। ओके, तो हम यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा कि स्पोरोफाइट में कुछ सेल जो है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करें, कुछ सेल जो है वो एक्ट करते हैं एज स्पोर मदर सेल्स कैप्सूल के अंदर। दिस सेल्स एक्ट एज स्पोर मदर सेल्स। ठीक है, और स्पोर मदर सेल्स की क्या होती है? मियोसिस। और मियोसिस से क्या बनते हैं इस कैप्सूल स्ट्रक्चर के अंदर? बहुत सारे इन स्पोर मदर सेल्स से, पहले आप नोट कर लीजिएगा, दीज आर स्पोर मदर सेल्स। अभी स्पोर मदर सेल्स की प्लाइडी कैसी है? दीज आर डिप्लॉयड। ओके, अब स्पोर मदर सेल्स की क्या होगी? दे अंडरगो मियोसिस, और हर स्पोर मदर सेल से जो है क्या बनेंगे? चार चार जो है हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, किसके अंदर बनेंगे स्पोर्स? कैप्सूल के अंदर ही बनेंगे इन स्पोर मदर सेल से, मियोसिस से। अब स्पोर के अंदर बन, ठीक है, कैप्सूल के अंदर क्या बन गए? बहुत सारे अंदर ये स्पोर्स। किसकी मियोसिस से बने स्पोर्स? स्पोर मदर सेल्स की। स्पोर मदर सेल्स किसके अंदर है? स्पोरोफाइट के कैप्सूल स्ट्रक्चर, आप लोग स्पोरोफाइट के अंदर, स्पोरोफाइट के कुछ सेल जो है एक्ट करें हैं स्पोर मदर सेल, जिनकी मियोसिस से क्या बने स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स। ये बन गए अब स्पोर्स, ये हैप्लॉइड हो गए। अब ये स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है। ओके, इसके बाद जो है जब स्पोर राइव कर जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? डिस्पर्सन, एक मैकेनिज्म है जिसे डिस्पर्स करते हैं स्पोर्स। ठीक है, बाहर निकल आएंगे डिस्पर्सन से, और ये स्पोर्स अगर इनको सुटेबल हैबिटेट मिल जाता है, अगर स्पोर्स को डिस्पर्सन के बाद सुटेबल हैबिटेट ब्रायोफाइट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुटेबल हैबिटेट ब्रायोफाइट के लिए क्या होगा? नोट कर लीजिएगा स्लोली। ठीक है, हम बोलेंगे, ठीक है, वेट प्लेस होना चाहिए, शेडी प्लेस होना चाहिए, और कंडीशन थोड़ी सी कैसी होनी चाहिए? वार्म कंडीशंस। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, जो हैबिटेट जो है, जो व्हिच इज फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ब्रायोफाइट, दैट इज, ठीक है, अब ह्यूमिड प्लेस, दैट शुड बी ह्यूमिड, दैट शुड बी शेडी प्लेस, और साथ ही वार्म कंडीशन होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन मिल जाती है देन इन स्पोर्स को, देन दिस स्पोर विल डेवलप इनटू द गैमेटोफाइट। अगेन स्पोर कैसा है? हैप्लॉइड। और स्पोर की जर्मिनेट जब करेगा तो क्या बनेगा? अगेन गैमेटोफाइट। ओके, तो दिस कंप्लीट ना, इससे कंप्लीट हो गया लाइफ साइकिल किसका? ब्रायोफाइट में, स्पेशली लिवरवॉर्ट और हॉर्नवॉर्ट्स का लाइफ साइकिल्स। ओके, अब हम बात करते हैं एक्चुअली दूसरे जो ब्रायोफाइट है, दैट इज मॉसिस। ये क्या है? लिवरवॉर्ट या फिर, ठीक है, या जो है हॉर्नवॉर्ट्स, उनमें लाइफ साइकिल। ओके, अब हम बात करते हैं मॉसिस की।
मॉसिस में हमने कहा था मॉसिस की प्लांट बॉडी कैसी होती है, इरेक्ट एंड लीफी। पहले मैं सिर्फ यहां पे क्या बना रहा हूं, ओनली गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट कैसी प्लांट बॉडी है, हैप्लॉइड, गैमेटोफाइट जो लीफी एक्चुअली, ठीक है, जो मॉसिस हैं, यहां हमें पता लगा कि गैमेटोफाइट दो तरह के गैमेटोफाइट इसमें बनते हैं, एक तो होता है ये मेन, ठीक है, गैमेटोफाइट जो कैसा है, इरेक्ट एंड लीफी स्टेज है ये गैमेटोफाइट की, इरेक्ट एंड लीफी स्टेज, ठीक है, जिसमें रूट लाइक स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। तो आपको याद रखना जो इरेक्ट और लीफी स्टेज है इसका जो अपेक्स है यहां पे वो सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं एट द अपेक्स, चाहे वो मेल अगर प्लांट बॉडी है तो क्या बनेगा, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, फीमेल अगर बॉडी है तो बनेगा फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम, ठीक है। तो आपको नोट कर लीजिएगा कि जो सेक्स ऑर्गन्स है मॉसिस में दोज आर फॉर्म्ड एट द अपेक्स ऑफ इरेक्ट एंड लीफी गैमेटोफाइट, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, सेक्स ऑर्गन्स इन मॉसिस दोज आर फॉर्म्ड एट द अपेक्स ऑफ इरेक्ट एंड लीफी गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, क्लियर। ओके, सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या बनते हैं, हमने क्या नोट करा था, गैमेट्स, ठीक है। अगर फीमेल गैमेट है, सॉरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो फीमेल गैमेट बन रहा है, दैट इज एग, हैप्लॉइड। मेल है अगर, मेल सेक्स ऑर्गन दैट इज एंथ्रीडियम, उसके अंदर क्या बन रहे हैं, मेल गैमेट दैट इज एंथ्रोजॉइड, ठीक है, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। उसके बाद वही बात, जस्ट लाइक लिवरवॉर्ट्स एंड हॉर्नवॉर्ट्स, फर्टिलाइजेशन, और इस फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है जाइगोट, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, और पूरे जो है प्रोसेस वैसे होती है जैसे लिवरवॉर्ट और, ठीक है, हॉर्नवॉर्ट्स में होती है कि जो एंथ्रोजॉइड्स हैं आफ्टर रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडियम द स्विम इन द वॉटर फिल्म, ठीक है, एंड अट्रैक्टेड टुवर्ड आर्चिगोनियम बाय सर्टेन ऑर्गेनिक एसिड, फॉर एग्जांपल मैलिक एसिड, ठीक है, या कुछ सुगर्स की वजह से, या जो कुछ डिफरेंट वेरियस सॉल्ट्स हैं, पोटेशियम सॉल्ट्स हैं, उनकी वजह से दो आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स आर्चिगोनियम, और फिर आर्चिगोनियम के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन होती है, बनता है जायगोट, फिर जायगोट से फिर से वही बात, जायगोट से जो है एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो जो है फिर डेवलप कर जाता है इनटू द स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट जो है कहां पे बनाइए, जहां पे आर्चिक जो फीमेल प्लांट है उसका जो आर्चिगोनियम एट द अपेक्स उस पे डेवलप करेगा स्पोरोफाइट, ठीक है। तो किसके ऊपर बनना स्पोरोफाइट, ये आर्चिगोनियम के अंदर, दिस इज स्पोरोफाइट, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, और ये क्या बना रहे हैं, किसके ऊपर बनाइए, गैमेटोफाइट पे। गैमेटोफाइट कैसी प्लांट बॉडी है, हैप्लॉइड, ओके। और स्पोरोफाइट में वही सेम उसी की तरह से क्या बने, जो स्पोर मदर सेल्स उनकी मियोसिस से बहुत सारे क्या बने, हैप्लॉइड स्पोर्स, क्लियर। और फिर से वही डिस्पर्सन के बाद से, जब ये मैच्योर हो जाएंगे, डिस्पर्स होंगे, बाहर निकले स्पोर्स, डिस्पर्सन के बाद अगर उनको सुटेबल हैबिटेट मिल गया, ये स्पोर स्टेबल हैबिटेट अगेन वही ह्यूमिड स्टेडी वार्म कंडीशन, तो ये स्पोर जो है जर्मिनेट करेगा, ठीक है, इनटू न्यू प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट। लेकिन मॉसिस में क्या है, जैसे हमने पहले लाइफ साइकिल में देखा कि जो स्पोर है दैट वाज डायरेक्टली डेवलपिंग इनटू द मेजर गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, लेकिन मॉसिस में ऐसा नहीं होता, स्पोर जो है इसे मेन प्लांट गैमेटोफाइटिक या प्लांट बॉडी जो है डेवलप नहीं होती, स्पोर जो है पहले जब ये जर्मिनेट करता है एक्चुअली, तो इसे एक छोटी सी प्लांट बॉडी बनती है, मल्टी सेलर प्लांट बॉडी बनती है, लेकिन ये प्लांट बॉडी जो है मॉस की, ये इस तरह की इरेक्ट और लीफी नहीं है, बल्कि कैसी है, क्रीपिंग, ठीक है। तो ये जो स्पोर जर्मिनेट करा, और ये जो क्रीपिंग जो गैमेटोफाइट ही बना ये, ठीक है, और इस गैमेटोफाइट को नाम दिया गया है प्रोटोनिमा। पहला जो प्रोटोनिमा बना एक्चुअली स्पोर की जर्मिनेशन से, इसको बोला गया प्राइमरी प्रोटोनिमा। तो प्राइमरी प्रोटोनिमा ये भी एक्चुअली क्या है, गैमेटोफाइट है ये। ये गैमेटोफाइट इरेक्ट और लीफी है, लेकिन ये गैमेटोफाइट कैसा है, डॉर्सिमेटल, क्रीपिंग जो है, क्रीपिंग गैमेटोफाइट।
ये क्रीपिंग गैमेटोफाइट है। प्राइमरी प्रोटोनिमा, प्राइमरी प्रोटोनिमा पे या तो क्या होता है एक्चुअली, या इस पे बर्ड्स बनते हैं या इसकी होती है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, ये भी नोट करिएगा। प्राइमरी प्रोटोनिमा पे बर्डिंग से या इसकी फ्रेगमेंटेशन से, ठीक है, नई मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर और बनती है, सारी सारी अगेन क्रीपिंग गैमेटोफाइट्स बनते हैं, ठीक है, इस तरह से और बनते हैं ये, और ये नई मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो प्राइमरी प्रोटोनिमा पे बर्डिंग या फ्रेगमेंटेशन से बनते हैं, इनको क्या कहा जाता है, क्या नाम दिया गया है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा हमने बात करा प्रोटोनिमा की जो मॉसिस हैं दोज रिप्रोड्यूस असेक्सुअली और वेजिटेटिवली विद द हेल्प ऑफ प्रोटोनिमा, ठीक है। और वहां पे हमने बोला था आपको नोट करने के लिए कि आपको बुक के अकॉर्डिंग नोट करना है कि जो मॉसिस हैं दोज रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय द लेटर बर्डिंग ऑन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। मीन क्या बोलने का मतलब उस बुक्स में आपके कि जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा बने अब ये फॉर्मड बाय द बर्डिंग और द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द प्राइमरी प्रोटोनिमा, इन पे दोबारा इनकी बर्डिंग, इन पे दोबारा जो नए बर्ड्स बनते हैं एक्चुअली बहुत से बर्ड्स, ठीक है, हर प्रोटोनिमा पे, और ये जो नए बर्ड्स हैं जो किस पे बन रहे हैं, सेकेंडरी प्रोटोनिमा पे जो बन रहे हैं बर्ड्स, अब ये बर्ड जो है डेवलप करते हैं इनटू दिस इरेक्ट एंड लीफी स्टेज। ओके, क्लियर। तभी देखो यहां पे सिंगल स्पोर आप देख रहे हो, नोट कर रहे हो, यहां पे एक सिंगल स्पोर बना और एक सिंगल स्पोर से, ठीक है, प्राइमरी प्रोटोनिमा बना। प्राइमरी प्रोटोनिमा में बहुत सारे क्या बने, बर्ड्स बने या उनके फ्रेगमेंटेशन ना फ्रेगमेंट्स बने, जिसकी वजह से बहुत सारे, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ क्या बने, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा पे फिर से बर्डिंग से, ठीक है, अब हजारों जो सेकेंडरी बर्ड बने वो थाउजेंड्स में नंबर उनका हो गया एक्चुअली, और हर बर्ड जो है दैट कैन डेवलप इनटू द इरेक्ट एंड लीफी स्टेज। तभी देख रहे हैं एक ही स्पोर से क्या हो गया है, हजारों के नंबर में जो है वो ये इरेक्ट और लीफी जो गैमेटोफाइट है वो बन रहा है। तभी हम बोल रहे हैं कि जो प्रोटोनिमा है दैट आल्सो हेल्प इन द वेजिटेटिव और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोर एक्यूरेटली यू कैन से इट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नॉट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ मॉस, नोट करा है हमने, क्लियर। ओके, ये लाइफ साइकिल हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, तीन क्लासेस में जो है कैटेगराइज किया गया है ब्रायोफाइट्स को। ओके, थ्री क्लासेस, फर्स्ट क्लास दैट इज हेपेटोकोक्सिडा, हेपेटोकोक्सिडा में इंक्लूडेड हैं लिवरवॉर्ट्स। क्लास टू एंथोसेराटोक्सिडा, इस क्लास में इंक्लूडेड हैं हॉर्नवॉर्ट्स। क्लास थ्री दैट इज ब्रायोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा में इंक्लूडेड हैं मॉसिस, ठीक है। कुछ एक एग्जांपल्स जो है लिख देता हूं, एग्जाम्पल लिवरवॉर्ट्स के, फॉर एग्जाम्पल मार्केंसिया, हॉर्नवॉर्ट्स का एंथोसिरोस, मॉसिस के एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फ्यूनेरिया, स्फैग्नम,